बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी गजरेला। बहुत ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ही कम वक्त में बनेगा। गाजरों का इंतखाब करते हुए आपने सबसे पहले इस चीज़ को माइंड में रखना है कि गजरेले के लिए गाजरें थोड़ी मोटी मोटी लेनी है और थोड़े डार्क रेड कलर में लें। इससे ये होगा कि गजरेले की लुक अच्छी आएगी। गाजरों को पहले पील किया है। पील करने के बाद इसको 3 से 4 पानी से अच्छे से आपने वाश करना है ताकि इसमें कोई मिट्टी ना रह जाए। इसके बाद अब इसको मैं करूँगी ग्रेट। आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, वो इजी वे है, या ये ग्रेटर की मदद से करें। गाजरों को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया ये सब की सब। अब मैंने एक कढ़ाई में लिया है 2 किलो दूध। 2 किलो ही गाजर है और 2 ही किलो मैं ले रही हूँ दूध। दूध को बॉयल आ गए, अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ ये गाजर। इसको आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन दूध में मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इसका जायका ज़रा अच्छा बन जाएगा। और मैं वैसे भी इसमें खोया यूज़ नहीं कर रही, मिल्क पाउडर यूज़ करूँगी, तो ये दूध की वजह से इसमें टेस्ट और अच्छा बन जाएगा। आंच में रखूँगी इसकी फुल। फुल रखने की एक वजह ये भी है कि गाजर का कलर ब्लैक की तरफ नहीं जाएगा। अब फुल आंच पे इसको हमने ड्राई भी करना है मिल्क को। गाजर भी अपना पानी छोड़ेगी और गाजर अच्छे से टेंडर भी हो जाएगी। इसको मैंने ढांपना नहीं है क्योंकि ये मिल्क को इतना है और इसका पानी भी गाजर का इतना इसमें हो जाएगा कि ये इजीली गाजर सारी टेंडर हो जाएगी। अब तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे ड्राई होने में। 25 मिनट के बाद इसका हाफ मिल्क ड्राई हो चुका है। अब इसे मैं शामिल करूंगी 1 कप चीनी। चीनी शामिल करके मज़ीद इसको चूल्हे पे ही रहने देना है। चीनी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करना है। अब ये रिमेनिंग मिल्क जो है इसको भी ड्राई करना है। 80% इसका मिल्क और पानी दोनों ड्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1/2 कप घी। इसमें आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और यह डालडा घी भी। इसे टेस्ट अच्छा आएगा इसलिए मैं ऑयल यूज़ नहीं कर रही। इस स्टेज पे ये घी शामिल करके अब घी के साथ इसकी भुनाई भी होगी। घी को अच्छे से मिक्स करना है। इसमें फ्लेम इसमें फुल है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही फ्लेम मैंने फुल रखी हुई है। अब साथ ही इसमें जाएगा ड्राई मिल्क। दूध का पाउडर जाएगा 1 कप। पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। अब मज़ीद 20 मिनट्स लगेंगे इसको रेडी होने में। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको ऐसे आपने हिलाना है। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ
इलायची पाउडर, 2 से 3 इलायचियाँ मैंने ली हैं और उनके छिलके आपने रिमूव कर देने हैं। इलायची पाउडर शामिल करेंगे और 1 पिंच इसमें फूड कलर शामिल करेंगे, ज़रदा फूड कलर। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल करके इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब मज़ीद 5 से 7 मिनट्स लगेंगे इसकी भुनाई में और फ्लेम स्टेज पे मैंने आपको कर दिया मीडियम, मीडियम टू लो की है। मैंने डिश आउट भी कर लिया है और इसको बादाम से गार्निश भी कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त ये बना है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बहुत ही कम वक्त में ये घर पे रेडी हो गया। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर करें और जो नए देखने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।